दो टैलेंटेड पर्सन से यहाँ हमारे साथ है, असलम शर्मा और सुमित बल्ला हमारे साथ है, आप दोनों का स्वागत है। और हर रोज की तरह मेरी सहयोगी प्रियंका गुप्ता भी मेरे साथ है। तो इससे पहले हम आपके सिंगिंग की जर्नी के बारे में भी जानेंगे, पर सबसे पहले हम इस प्रोग्राम की शुरुआत आपके एक डियो सॉन्ग के साथ करना चाहेंगे। Na 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 दा चित लगा चंबे दिया तारा, गोरी दा चित लगा चंबे दिया तारा, गोरी दा चित लगा चंबे दिया तारा। गोरी पाला पाई पाई नच दी चंबे दिया तारा, गोरी पाला पाई पाई नच दी चंबे दिया तारा, गोरी दा चित लगा चंबे दिया तारा। चंबे दिया तारा पौन फुआरा, चंबे दिया तारा पौन फुआरा, ओढ़ नू सिज्जी जंदा सारा, ओढ़ नू सिज्जी जंदा सारा, गोरी दा चित लगा चंबे दिया तारा, गोरी दा चित लगा चंबे दिया तारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। तो जानना चाहेंगे आप दोनों दोस्त हैं? हम हाँ फ्रेंड हैं। तो किस तरह से आपकी जर्नी की शुरुआत? जर्नी की शुरुआत एक इसी रियलिटी शो से हुई थी, वहाँ पे हम दोनों आए हुए थे जम्मू में ही, तो वहाँ पे हुई। उसके बाद फिर हम जैमिंग वगैरह कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इवन कि हम हमारा भी ये जो हमने सॉन्ग गाया ये हमारा डुएट सॉन्ग आ रहा है, जो हम थोड़ा वेस्टर्नाइज करके गा रहे हैं ताकि आज के जो जनरेशन है वो सुने डोगरी को और ज़्यादा से ज़्यादा डोगरी प्रमोट हो सके। बस बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जसलीन की यंगस्टर्स आगे आते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं उसे वो प्रमोट कर सकें और वो जिंदा रह सके। बेसिकली मोटिव ये है कि हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो जिंदा रह सकें। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या फ्यूचर गोल्स हैं? जी मैं म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहा हूँ अभी, तो मैं अपने आप को तो एज अ प्लेबैक सिंगर देखूंगा एक दो साल में, बट मैं तो म्यूजिक प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ साथ साथ ताकि मैं अपने गाने खुद भी बना सकूँ, कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकूँ। बिल्कुल, तो किसको आइडल मानते हैं? जी मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को आइडल मानता हूँ, मैं काफी सुनता हूँ उनको। बहुत बढ़िया, नुसरत फतेह अली खान जी का नाम आए और उनका गाना ना हो, मैं चाहूंगी एक और आप सॉन्ग सुना दे कोई नुसरत फतेह अली खान जी का। खुदा दुश्मन किसे नूवी हिजरदारों लावी, जमाना ताने जुदाई जान पई खावे है, हो सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, हो सजना तेरे बिना, हो सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना।
सजना तेरे बिना ओ दिल कमला डूब डूब जावे, दिल कमला डूब डूब जावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ओ कागा तेनू चूरियां पावा, हो कदी साडे भी बैठ बने रेते, दे पैगाम कोई सजना वाला। वे मैं शगन मनावा तेरे, आके बैठ बने रे साडे, शैदा जन साजन मेरे अडियां चुक चुक यार फरीदा, हो रात का मैं शाम सवेरे, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना। बढ़िया नुसरत फ़तेह अली खान का गाना, और सबका दिल खुश हो गया। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो आपको बता दें अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं कनेक्ट हुए हैं, तो जो लोग इस वक्त हमें टीवी चैनल पर देख रहे हैं, साथ ही साथ आप अपना फोन पे फेसबुक खोल सकते हैं और JK247 के पेज पर जा सकते हैं और वहां ढेर सारे कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी फरमाइश पे बता सकते हैं कोई गाना आपके सुनने का मन हो, और हम जरूर कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश पूरी करने की। सुहेल भट्ट हैं हमारे साथ, राजू हैं, मोहम्मद शोएब हैं, राजू के साथ वजीर मुगल हैं, साथ ही सुहेल भट्ट फरमाइश कर रहे हैं कि नुसरत फतेह अली खान का तो गाना हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, कोई नया गाना हिंदी आप हमें सुना पाएं। ये क्या राज है जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी पर गए, कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू, I love you I love you, hey yeah, na 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 na, I love you too, na 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 na. बहुत बढ़िया। और जसलीन क्या कहोगी, बहुत अच्छी आवाज इनकी है और साथ ही गिटार भी है, सोने पर सुहागा है, कुछ जानना चाहूंगी। आप दोनों बहुत ही खूब गाते हैं, क्योंकि फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा होगी आप लोगों की, तो कोई फैन मोमेंट जो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, जब कहीं परफॉर्म कर रहे हो तो फैन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स? जी जब मैं अपना स्टोरी बताता हूँ, जब मैं स्कूल टाइम पे, मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था, तो आई थिंक 1000 बच्चों का क्राउड था तब, KC पब्लिक स्कूल से पास आउट हुआ मैं, तो उस वक्त जब मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था, तो मतलब क्राउड ने काफ़ी पसंद किया था मेरी परफॉर्मेंस, और मतलब जब मैं स्टेज से उतरा, साथ ही में मेरे साथ सेल्फी वगैरह लेने बच्चे आ गए, ऑटोग्राफ मेरा मांगने लगे, तो वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस था, मैं आज भी याद करके बड़ा खुश होता हूँ उस मोमेंट को। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप KC पब्लिक स्कूल से पास आउट है, क्योंकि मैं भी वहीं से पास आउट हूँ, और उसी के साथ अच्छा लगा ना स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। और जानना चाहूंगी कि किसको आइडल मानते हैं और आगे इसी को प्रोफेशन लेकर फ्यूचर गोल्स क्या हैं? जी आइडल मैंने जैसे बताया नुसरत फतेह अली खान साहब, जिनको मानता हूँ मैं, और साथ में गोल्स यही हैं मेरे कि एक पहले तो मैं एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ, और साथ में मैं मतलब प्लेबैक करना चाहता हूँ पंजाबी बॉलीवुड में या बॉलीवुड में जहाँ भी मौका मिले, क्योंकि तैयारी दोनों की रखी हुई है। तो
मैं चाहूंगी अब एक कोई पंजाबी सॉन्ग अगर आप सुना सकें, मतलब बीट सॉन्ग जैसा आपको लगे कोई भी। हाँ जानिया तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना। पुछ काले बदला तो सीने विच अग लाके लंघ गईयां कई बरसाता, टुर गयो सजना नींद रखो के जग के कटिया राता, आवी जा नसता वासता प्यार दा ए रुता सोनिया मुड़नियों, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना। सारे व्यूअर्स भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, भट्ट उस्मान लिख रहे हैं, किलर वॉइस सर सुहेल भट्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, भट्ट उस्मान हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हिंदी गाना हो गया, डोगरी हो गया, पंजाबी हो गया, तो जो चलिए कुछ बातचीत करते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के टैलेंट को हम दिखाते हैं हर रोज़, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहें? जो इस फील्ड में अभी आना चाहते हैं, जिन्होंने ये प्रोफेशन बनाना है, पहली बात तो यह कि उनको किसी के पास सीखने जाना पड़ेगा पहली बात तो, और सिंगिंग में पेशेंस बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा, किसी गुरु उनको वो गुरु के पास जाए सीखे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़े। और रियलिटी शो वगैरह होते हैं वहाँ पर जाना चाहिए लक आजमाने के लिए, ताकि आपको पता लगे आप कितने पाने में हो और आपको कितना ओवर गेन करना है। तो यही कहूँगा बस इनके बारे में। तो आप दोनों की सपोर्ट की बात करें तो पूरी तरह से जी हाँ सपोर्ट करते हैं, इनको भी करते हैं, मेरे को भी करते हैं, सब करते हैं। तो कितना ज़रूरी होता है कि उनकी सपोर्ट मिले? जी सबसे ज़्यादा मैटर ही घर वालों की सपोर्ट करती है, कि अगर घर से हमें सपोर्ट आए, अगर घर ही से सपोर्ट आएगी तो लोग बाहर से सपोर्ट करेंगे। तो इसी बात पर एक और गाना हो जाए। ठीक है मैं करता हूँ। हाँ ये सॉन्ग उन दोस्तों के लिए जो कभी कभी छोटी छोटी बातों पर रुट जाते हैं। हो अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, खाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, हो अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, खाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, हो अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, हो टूटी यारिया मिला दे ओए, हो अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, हो टूटी यारिया मिला दे ओए, उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार, उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार,
वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। हो अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, खाब टूटे वादे टूटे दिल ये छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। हो लवारिया मैं तो हारिया, हो टूटी यारियां मिला दे ओए, हो लवारिया मैं तो हारिया, टूटी यारियां मिला दे ओए। थैंक यू सो मच। दोस्तों की कोऑर्डिनेशन देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस तरह से आपने बताया एक रियलिटी शो में आपकी मुलाकात हुई थी, तब से आप दोस्त बने, तो आप लोग भी छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हो। हाँ अभी रूठ गया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं पहले पहुंच गया था, तो बेचारा रास्ते में उसको पता नहीं लगा था कि कहाँ पे ऑफिस, तो मैं उसको गुस्सा कर रहा हूँ यार 4 बजे स्टार्ट होना है, हमने तो पानी तक नहीं पीना, वहाँ पे सीधे गाने लग जाना है। तो मैंने कहा अभी तो काम डाउन होकर करते हैं, उसके बाद बहस करते हैं, बस यही थोड़ा मोटा होता रहता है। जहाँ पे ज्यादा प्यार होता है वहाँ पे ज्यादा लड़ाई। ये तो है। और जसलीन मैं चाहूंगी जो व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ लगातार जुड़े हैं उनके कमेंट्स उनकी फरमाइश। बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त हमारे फेसबुक पेज पर हैं, मोहम्मद शोएब हमारे साथ हैं, आदिल अदिति हमारे साथ हैं, और शेख महरीन हमारे साथ हैं, कुलवीर नगोत्रा हमारे साथ हैं, और सौरभ कल्याण हमारे साथ हैं, जो डिमांड करें फरमाइश करें कि अगर आप बुला की जाने सॉन्ग गा सके तो। मैं जी श्योर उसका मैसेज करते हैं। अली फल्ला चंबे दी बूटी होते मेरे मुर्शद मन विच लाई हूं, हो नफियस बात दा पानी देके हर रगे हर जाई हूं, हो जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना, अते जिस बूटी लाई हूं पीर मेरे आहो जुगनी जी, हे वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी, हे वे मेरे पीर दी जुगनी जी, हे वे सारे सब्जी दी जुगनी जी, हो दम गुटकू गम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू हो दम गुटकू गुटकू कर साई अत कलमा नबी दा पढ़ साई पीर मेरे आहो जुगनी जी, हे वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी, हे वे नबी पाक दी जुगनी जी, हे वे सारे सब्जी दी जुगनी जी। ओ जुगनी तरखाई विच थाल, जुगनी तरखाई विच थाल, ओ छड़ दुनिया दे जंजाल, ओ छड़ दुनिया दे जंजाल, ओ कुछ नीनी बना बंदिया नाल, अते साबत सिद्क कमाल, वे पीर मेरे आहो जुगनी जी, हे वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी, हे वे नबी पाक दी जुगनी जी, हे वे सारे सब्ज दी जुगनी जी। जे आपने चावे यार ते नचना पैंदा ए, जे आपने चावे यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, हो आ जा यार दे दीदार ओ, आ जा यार दे दीदार, गंगा गया गल मुकदी नाही, हो पर सो सो गोते खाइए, हो पर सो सो गोते खाइए, मक्के गया हो गल मुकदी नाही, हो पर सो सो जुमा पढ़ आइए, हो पर सो सो जुमा पढ़ आइए, हो बुल्ले शाह
गलताइयों मुक दिया हो बुल्ले शाह गलताइयों मुक दी हो जद मैनू दिलों पुलाइए आ जाया दे दीदार आ जाया दे दीदार। थैंक यू। बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस थी आपकी और बहुत सारे कमेंट्स भी हमें आ रहे हैं क्योंकि लगातार जो टीवी के साथ साथ फेसबुक पे भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं बहुत पसंद आ रहा है। भट्ट उस्मान लिख रहे हैं व्हाट अ वॉइस सर मैं आपका फैन बन चुका हूँ। भट्ट उस्मान लिख रहे हैं आई लव योर वॉइस और साथ ही सुहेल भट्ट राठर तारिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और इसी के साथ वक्त का भी थोड़ा तकाजा है तो अगर आप दोनों मिलकर एक सुर में कोई परफॉर्मेंस दे पाए तो बिल्कुल दो दोस्तों की अब हम जुगलबंदी भी देखेंगे क्योंकि कल जिस तरह से जसलीन हमने भाई बहन का प्यार दिखाया था और उन दोनों ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था उनका बिल्कुल माँ बेटी का हम जी दोस्तों की जुगलबंदी आज हम देखेंगे। माँ बेटी की भी जुगलबंदी हमने आपको दिखाई कल हमने भाई बहन की भी जुगलबंदी आपको दिखाई तो जिस तरह से इनका कितना तालमेल है वो भी अब हम देखेंगे तो हम चाहेंगे कि आप एक मैशअप गाते हैं सो ये सुमित भी ज्वाइन कर लेगा सारे मिक्स नए सॉन्ग जो भी होंगे बी माइनर तेरी बारिश भिगाए मुझे तेरी हवाएं बहाए मुझे पांव तले मेरे जमीन चल पड़ी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं मेरे दिल मुबारक हो यही तो प्यार है मेरे दिल मुबारक हो यही तो प्यार है ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई कभी पहले पहल तू आ मिला था ठहरा हूँ वही मैं लापता सा मिल जाए कोई तो ना 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 मिला दे जरा मुबारक हो यही तो प्यार है ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी तिर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा तिर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया ओरे पिया हाँ ओरे पिया ओरे पिया है ओरे पिया उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे आया कहाँ से ये हौसला रे ओरे पिया हाँ है ओरे पिया
जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जा बेपना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज हमारे प्रोग्राम में आप दोनों आए और बहुत बढ़िया जुगलबंदी आपकी हमें देखने को मिली। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शक? मैसेज एक तो यही है कि अभी कोरोना का चल रहा है सब महामारी, तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश बनाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, घर से बाहर बिना वजह ना निकलें, और अगर वापस जब बाहर से होके आते हो तो सैनिटाइज कीजिए, अपने हाथों को धोइए, मास्क पहन के बाहर जाइए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें समझ है कि हमने क्या करना है क्या नहीं। तो प्लीज़ सभी सेफ्टी रखिए ताकि हमारा देश जल्द से जल्दी कोरोना मुक्त हो। जी, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो जो हमें सिंगर लोग सुन रहे हैं, जो जो ऑडियंस सिंगर ऑडियंस है, जो सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, मैं उनसे यही कहूँगा कि अच्छा सीखो, अच्छा गाओ, अच्छा सुनो। थैंक यू सो मच, प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ अगर कोई भी ना ही सिर्फ जी बिल्कुल एक हम जम्मू गए तो मैं चाहता हूँ कि डोगरी सॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी डोगरी से थोड़ा पीछे हटते हैं, खास करके जनरेशन जो है। मैं चाहता हूँ कि हमारी डोगरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो कि हमारी खुद की इंडस्ट्री बन सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोगरी गाएँ, डोगरी सुने। बी स्केल देना। पल पर बेजाना बेजाना हो जिंदे राते रे जाना रे जाना हो जिंदे पल पर बे जाना ओ जिंदे लठे दा पजामा ते रेशमे कुर्ता लठे दा पजामा ते रेशमे कुर्ता ये कटो चेंदा हाय कटो चेंदा लाड़ा लाड़ा पल पर बे जाना ओ जिंदे राते रे जाना रे जाना ओ जिंदे। थैंक यू सो मच, है आप दोनों की, और स्पेशली एक जब गिटार बजा रहे हैं, आप दोनों गा रहे हैं तो सोने पे सुहागा है, तो अभी मन नहीं कर रहा है। जैसे आपने जुगनी का एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया और वंस मोर के भी हमें बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, तो वैसा ही कोई धमाकेदार परफॉर्मेंस आप किसी और गाने के साथ देना चाहेंगे? एक करके सिंगर है जिन्होंने पहले एक सोनी लगदी सॉन्ग आया था, तो आशा है आप सबको पसंद आएगा। बी माइनर प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे रब कोलो दिल जाने मंगना जरूरे प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे रब कोलो दिल जाने मंगना जरूरे हाल ना जाने मेरा दुनिया नी माने ओ मेरे जिंद मेरे दिल दा सुरूरे
तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती भी थोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी हाय सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी तू मेरा कुछ भी नहीं ओ मैनू कह गई जेड़ी मेरा सुर मेरी ले मेरी ताले लोकां दी अख च खोरे किसे शैदा बाले वक वक कीता सानू दुश्मन दी चाले मन ता मुरादा नाल बनदी ते टिच साडी जोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी हाय सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया और हालांकि हमारे शो का टाइमिंग तो हो चला है पर फिर भी हम कोशिश करेंगे जाते जाते जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी फरमाइश हम ले पाए और अहद अलबेला है हमारे साथ जो लिख रहे हैं मजा आ गया सदाव शफी हैं बट उस्मान मोहम्मद यासीन जो लिख रहे हैं क्या बात राजू लिख रहे हैं व्हाट ए नाइस जॉब मोहम्मद यासीन के साथ बट उस्मान है और एक फरमाइश आ रही है कि दो लाइनें अगर आप बीप्राक के किसी सॉन्ग की गा पाए तो फिलहाल ना तू सब जानदा है मैं छड़ नहीं सकदी तेनू ताही तांगला ते रोज नचोना मैनू तू सब जानदा है मैं छड़ नहीं सकदी तेनू ताही तांगला ते रोज नचोना मैनू तू वक्त नहीं दिन दा मैनू अजकल दो पल दा तेनू पता नहीं शायद इश्क विच इंज नहीं चलदा मेरा ते कोई है नी तेरे बिन तेनू मिल जाना किसे दा सहारा में तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा बढ़िया और फाइनली सारी फरमाइश हमने ले ली है और उम्मीद करते हैं किसी की फरमाइश छूटी नहीं होगी तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमें जितनी भी फरमाइश थी वो हमने कोशिश की सारी पूरी हो गई हो और आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट और इसी के साथ अगर आप भी हमारे साथ कहीं से भी जुड़ना चाहते हैं ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि पूरे देश में किसी भी राज्य से किसी भी यूटी से आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं हम जरूर आपको इनवाइट करेंगे या फिर स्काइप पर हम आपको जोड़ेंगे तो नंबर मैं आपको बता देती हूं इसी तरह से हर रोज हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए और हमें मैसेज करना भी नहीं भूलिए तो नंबर है 7051003933 पर आप मैसेज कीजिए और अगर आप में भी है सिंगिंग का टैलेंट तो JK247 न्यूज के साथ जरूर जुड़िए फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत देखते रहे JK247 न्यूज